हेलो एवरीवन, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चों के कॉमन सब्जेक्ट्स में मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस और मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस होता है। दोस्तों, ये दोनों सब्जेक्ट साइंस के विषय हैं। इन दोनों सब्जेक्ट के जब आप सिलेबस देखेंगे तो पाएंगे कि यह दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस ऑलमोस्ट 50% सेम है। क्या सेम है? जैसे कि विज्ञान, दोनों विज्ञान के विषय हैं, तो विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की विशेषताएं, आधुनिक जीवन में विज्ञान का महत्व। इसके अलावा शिक्षण विधियाँ, दोनों विषय की शिक्षण विधियाँ ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम है, मूल्यांकन सेम है, करिकुलम कंस्ट्रक्शंस के नियम सेम है, पाठ्यक्रम बनाते कैसे हैं, और दोनों स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, इनके पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षकों लगभग, दोस्तों आप सिलेबस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा दोनों विषय सेम है। तो अब हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और पूरे 5 वीडियो में इन दोनों सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो नंबर 1 है और इसमें हम जानेंगे वह कॉमन प्रश्न जो दोनों विषय में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दोनों विषय में वो कौन से प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा आपको लिखनी है, तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे शिक्षा शब्दकोश के अनुसार विज्ञान क्रिया के रूप में विज्ञान के माध्यम में प्रस्तुत एक व्यवस्थित ज्ञान है। वहीं कि भौतिक विज्ञान में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? दोस्तों, प्रयोगशाला करने से बच्चों को, सबसे पहले तक जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो बच्चों को एक इंटरेस्ट आता है, उनके अंदर एक रुचि मिलती है कि विषय को जानना है, विषय को पढ़ना है। जब उनके सामने कुछ रिजल्ट आते हैं ना, तो उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्रयोगशाला का आप एक महत्व लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों को भौतिक शिक्षण हेतु प्रेरणा मिलती है। ठीक है, उस विषय में अधिक, उस विषय के प्रति रुचि होती है। और दूसरा दोस्तों, भौतिकी विज्ञान या किसी भी विज्ञान में, जीव विज्ञान में, प्रयोगशाला से क्या होता है कि बच्चों के अंदर करके सीखने की एक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और बच्चों का अध्ययन में मन लगता है। तो इस प्रकार से आप प्रयोगशाला के महत्व लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर नेक्स्ट बात करें कि विज्ञान में, भौतिकी विज्ञान कह लें या फिर जीव विज्ञान कह लें, एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भौतिक विज्ञान या अथवा जीव विज्ञान में प्रयोगशाला में दृश्य उपकरण कौन कौन से हैं। दृश्य उपकरण मतलब वह चीज़ें जो दिखाई देते हैं। तो अब दिखाई देने वाले कौन है? दोस्तों, वास्तविक विज्ञान के नमूने, जैसे कुछ सैंपल्स हो गए हैं विज्ञान के। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो रक्त के सैंपल, मसल्स के सैंपल या फिर कोशिकाओं के सैंपल्स, तो कुछ वास्तविक विज्ञान एवं नमूने। ठीक है, तो इस प्रकार के आप दृश्य जो दिखाई देने वाले हैं, चार्ट हो गया, समय रेखा हो गया, एटलस मतलब ये विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की बात हो रही है, मॉडल, ग्राफ, श्यामपट, सिक्के, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? भौतिक विज्ञान। इसी प्रकार जीव विज्ञान में भी आप लिख सकते हैं कि वह उपकरण जिससे दिखाई देता है, तो माइक्रोस्कोप ले लीजिए, टेलीस्कोप्स ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ें वह उपकरण हैं जो दिखाई देने वाली हैं और भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान के शिक्षक प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि भौतिक विज्ञान में या फिर जीव विज्ञान में श्रवण उपकरण, मतलब सुनने वाले उपकरण, वह उपकरण जिससे छात्र सुन के पढ़ सकते हैं, तो जैसे रेडियो हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, मोबाइल फ़ोन, ग्राम फोन, और ये सारे वो उपकरण हैं जिसके द्वारा छात्र सुन के अपना अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे और बात करेंगे कि विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो भैया देखिए, विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, ये आपको स्वयं से लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप किताबी लैंग्वेज में लिखें। आप एक बच्चे को विज्ञान क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि एक बच्चे के अंदर वैज्ञानिक थॉट डेवलप हो, साइंटिफिक थॉट उसके अंदर, वैज्ञानिक सोचने की तकनीक उसके अंदर विकसित हो और चीज़ों को वो वैज्ञानिक विधि द्वारा समस्याओं का हल कर सके। ठीक है, विज्ञान से खुद को जोड़ सके, विज्ञान के जरिए वो और ज़्यादा दुनियावी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते। तो इस प्रकार से विज्ञान शिक्षण के आप उद्देश्य स्वयं लिखेंगे। ठीक है, विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत। दोस्तों, विज्ञान पाठ्यक्रम, अगर आपसे भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्माण पूछे या जीव विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्माण पूछे, आप बहुत अच्छे तरीके से ये लिख सकते हैं। पहला, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब होता है ना कि पाठ्यक्रम इस प्रकार हो जो बालक के अनुसार हो और बालक के सुविधाजनक हो, बालक को केंद्र मान के रखा गया हो, तो वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। समाज केंद्रित मतलब समाज की चीज़ों को भी उसमें रखा गया हो कि इस पाठ्यक्रम से समाज का क्या अच्छा हो सकता है। क्रिया केंद्रित मतलब उसमें कुछ ऐसे कार्य हो जो बालक को करने पे मजबूर करे, बालों को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करे। क्रियात्मक का सिद्धांत,
सिद्धांत हो, प्रैक्टिकल की चीज़ें हो, संरक्षण का सिद्धांत, सद्भावना, आपस में प्यार मोहब्बत के सिद्धांत हो, लचीलेपन तथा विविधता का सिद्धांत। लचीलेपन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लचीलेपन का मतलब एक ऐसा पाठ्यक्रम हो जो कि सबके लिए आसान हो, मतलब जो बच्चे थोड़े से कम बुद्धि वाले हैं वो भी पढ़ सके, जो बहुत इंटेलिजेंट है वो भी पढ़ सके, विविधता मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हों। तो इस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं बायोलॉजिकल साइंस या फिर आप फिजिकल साइंस के पाठ्यक्रम निर्माण की और अनुभवों की संपूर्णता, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। अब अगला प्रश्न दोस्तों, विज्ञान शिक्षक के आवश्यक गुण, मतलब एक अच्छे विज्ञान शिक्षक, भौतिक विज्ञान शिक्षक या जीव विज्ञान शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो भैया देखिए, शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए, विषय वस्तु की समझ होनी चाहिए, विषय वस्तु पर पकड़ होनी चाहिए, अच्छा पढ़ाने का मन हो, शिक्षण व्यवस्था में रुचि हो और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का पर्याप्त ज्ञान हो, वो बंदा थोड़ा सा एजुकेटेड हो, उसके अंदर थोड़ी सी नॉलेज हो, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा पाएगा। और दोस्तों उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, प्रयोगिक उनकी योग्यताएं हो, शिक्षा मनोविज्ञान का उचित ज्ञान हो, नवीन मूल्यांकन विधियां उनको प्राप्त हो, कैसे मेजरमेंट करें, कैसे इवैल्यूएशन करें उनको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि जो भी आजकल स्मार्ट क्लासेस हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री है, उनका प्रयोग कैसे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे विज्ञान के शिक्षक के अंदर गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे ह्यूरिस्टिक विधि, मतलब ह्यूरिस्टिक विधि को हिंदी में कहते हैं खोज विधि, ठीक है, इसको एक और शब्द से हम संबोधित करते हैं, वो है अन्वेषण विधि। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि में यही होता है कि बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं कि वह खोज विधि, मतलब खुद से रिसर्च करके चीज़ों को पढ़ें। वही देखें, ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिकों से हुई है। इन दोनों शब्दों का हिंदी भाषा में तत्पर्य है कि खोज करना, ठीक है। तो आर्मस्ट्रांग ने स्वयं कहा कि ह्यूरिस्टिक विधि एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें छात्र किसी समस्या पर यथासंभव मौलिक अन्वेषण की अभिवृत्ति से कार्य करता है। अन्वेषण का मतलब खोज, अपने मन की इच्छा से वो अन्वेषण की अभिवृत्ति, मतलब खोज के एटीट्यूड, खोज की अभिवृत्ति के साथ वो कार्य करता है और पढ़ाई करता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब खोज विधि होता है जिसमें छात्र अपने द्वारा खोज करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। व्याख्यान विधि से क्या अभिप्राय है? दोस्तों व्याख्यान विधि का मतलब लेक्चर देके, जब क्लासरूम में एक शिक्षक लेक्चर देके पढ़ाता है तो वो व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों मूल्यांकन क्या है? अच्छा मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक शिक्षण प्रक्रिया का अंग है जिसके द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि हमने जो बच्चे को पढ़ाया वो कितना हद तक पढ़ाया, बच्चे के अंदर कितना सुधार हुआ, बच्चे को शैक्षिक उद्देश्य कितने प्राप्त हुए, बच्चे को चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। और हम ये भी चेक करते हैं कि शिक्षक पढ़ के पढ़ाने की शिक्षण विधि सही है कि नहीं, शिक्षक सही है कि नहीं। तो इसी प्रकार से मूल्यांकन का यही मतलब होता है, आप एक निर्णय निकालते हैं। तो देखिए मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का एक वह अंग है जिसके द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि निश्चित समय में शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कहां तक प्रगति हुई, ठीक है, विद्यार्थी के अनुभव तथा योग्यता में कितनी वृद्धि हुई, व्यवहार में कितना अंतर आया तथा शिक्षक ने इस दिशा में कहां तक सहयोग किया। तो ये हो गया मूल्यांकन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट को और देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप इजीली कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट के गुणों को दर्शाइए, मतलब प्रोजेक्ट के गुणों का मतलब आप कभी कभी बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट देते हैं कि आप जाइए ये बना के आओ या फिर ये करके आओ, तो इसका क्या मतलब है? देखिए विधि संबंध नियम सिद्धांतों द्वारा जीवन के संबंधित किया जाए, आप बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि जो भी आपके जीवन की चीज़ें हो ना उसको आप वैज्ञानिक से जोड़ के उसका समाधान करें। एक यह मनोवैज्ञानिक विधि है, कहा जाता है कि बच्चे अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझे, तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा हस्त कार्य के प्रति, मतलब खुद से करने की उनके अंदर एक क्षमता और एक भावना विकसित होती है, इसमें प्रजातांत्रिक भावना का विकास होता है, इसमें अन्वेषण शक्ति, वही कहना है खोज विधि का विकास होता है और एक दूसरे के साथ सहसंबंध, जब चार बच्चे एक साथ बैठ के कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो एक दूसरे के संबंध भी अच्छे होंगे उन बच्चों के, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को हम यही ख़त्म करेंगे, हमने छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न देखे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों विषय के लिए, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आई होगी, अगर हाँ तो कमेंट में प्लीज़ अपनी राय दें। ये मेरी एक तरफ से एक स्टार्टिंग थी, एक कोशिश थी, शुरुआत थी। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगा, इस तरह से पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो हम इस चीज़ को और आगे जारी रखेंगे, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को अगले वीडियोस में हम टोटली ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे साथ इस तरह से बात करके, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट करें और मेंबर्स को चैनल से जोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो में देखने के लिए। बाकी अगले वीडियो में हम सेपरेटली देखेंगे कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भौतिक विज्ञान के लिए पूछे जाते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीव विज्ञान के लिए पूछे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हम मेरी तरफ से जो भी कोशिश हो सकेगी वो ज़रूर आपके लिए की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।